मानव शरीर में कई प्रकार के दोष एवं विकार प्रेजेंट होते हैं। आज हम उन्हीं में से एक के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अचार फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और जो विकार हम आज पढ़ेंगे वो रिलेटेड है स्वेदय स्रोतस की व्याधियों से। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स प्रेजेंट है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वेदय स्रोतस के बारे में। और इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं स्वेदय स्रोतस का परिचय, स्वेदय स्रोतस के मूल स्थान, स्रोतोदृष्टि के सामान्य निदान व उसके सामान्य लक्षण, स्वेद वृद्धि के लक्षण, स्वेद क्षय के लक्षण, और अंत में दोस्तों हम देखने वाले हैं स्वेदय स्रोतस की व्याधियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वेदय स्रोतस का वर्णन आचार्य चरक ने 13 स्रोतसों में किया है, परंतु आचार्य सुश्रुत ने स्वेदय स्रोतस का वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेदय स्रोतस के मूल स्थान। दोस्तों, आचार्य चरक ने स्वेदय स्रोतस के मेद और लोम को मूल स्थान माने हैं, और इसी को बताते हुए उन्होंने चरक विमान 5वें अध्याय का 8वां श्लोक बोला है, जो कि इस प्रकार है, स्वेद वहानाम स्रोतसाम मेदो मूलम लोम कुपाश्च। इसका अर्थ यही है कि जो स्वेदय स्रोतस के मूल हैं वो मेद और लोमकूप है। दोस्तों, लोमकूप को हम जो बॉडी में हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके पोर्स से रिलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं स्रोतोदृष्टि के सामान्य निदान। तो दोस्तों, स्रोतोदृष्टि के सामान्य निदान कहते हुए चरक ने विमान स्थान में 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि व्यायामाद अति संतापात शीत उष्ण क्रम सेवनात् स्वेद वाहनी दुष्यंति क्रोध शोक भय स्थिता। इसका अर्थ यह है कि अधिक व्यायाम करने से, अति आतप सेवन मतलब कि अधिक धूप का सेवन करने से, शीत और उष्ण पदार्थों का व्यतवास में सेवन मतलब कि उल्टे क्रम में सेवन करने से, और क्रोध शोक भय आदि मानस भाव रखने से जो स्वेदय स्रोतस है उसकी दुष्टि हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं स्रोतोदृष्टि के सामान्य लक्षण। दोस्तों, चरक संहिता में स्रोतोदृष्टि के सामान्य लक्षणों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, अस्वेदनम अति स्वेदनम पारुष्यम अति सलक्षणताम अंगस्य परिदाहम लोम हर्षम च दृष्टवा स्वेद वाहनस्य स्रोतांसी प्रदुष्टानिति विद्यात। यह श्लोक चरक विमान स्थान 5वें अध्याय का 16वां श्लोक है, और इसका अर्थ यह है कि स्वेद प्रवर्तन ना होना मतलब कि स्वेट ना आना, या फिर अत्यधिक मात्रा में स्वेद उत्पन्न होना मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्वेट आना, परुष्ठता मतलब कि ड्राइनेस आना, शरीर में अत्यधिक सलक्षणता उत्पन्न होना मतलब कि चिकनापन उत्पन्न होना, या फिर दाह मतलब कि बर्निंग सेंसेशन या लोम हर्ष होना, ये सभी स्वेदय स्रोतोदृष्टि के सामान्य लक्षण हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे स्वेद वृद्धि के लक्षण। तो दोस्तों, आचार्य बागभट्ट ने स्वेद वृद्धि के लक्षण कहते हुए कहा है कि स्वेदो अति स्वेद दौर्गंधे कंडु एवं चलक्षेत। इसका अर्थ यह है कि अत्यधिक स्वेद प्रवर्धन मतलब कि एक्सेसिव स्वेटिंग बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, या फिर दुर्गंध आना, या फिर तीसरा है कंडू मतलब कि खुजली होना। तो ये अगर लक्षण मिलते हैं तो इसका अर्थ है कि स्वेद वृद्धि हो गई है। तो दोस्तों, नेक्स्ट इज स्वेद क्षय के लक्षण। अगर स्वेद क्षय होता है तो रोम का पतन हो जाता है मतलब कि बाल झड़ जाते हैं, रोम में स्तब्धता आ जाती है मतलब कि जकड़ाहट उत्पन्न हो जाती है, और तीसरा है कि त्वचा स्फुटित हो जाती है मतलब कि त्वचा फटने लग जाती है। तो ये तीनों जो लक्षण हैं वो स्वेद क्षय के होते हैं, और इनका वर्णन अष्टांग हृदय में किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट इज स्वेदय स्रोतस की व्याधियाँ। तो पहला है खालित्य, जिसको हम इंद्रलोप भी बोलते हैं, और इसका मॉडर्न में एलोपेशिया से रिलेशन मिलता है। एंड सेकेंड इज पलित रोग। तो दोस्तों, यह था स्वेदय स्रोतस के बारे में। दोस्तों, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेंटल एंड आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट अस नो इन द कॉमेंट बॉक्स कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।